एलिमेंटर से रिलेटेड फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे अगर आपको एलिमेंटर पेज में वर्टिकल के रूप में टेक्स्ट टाइप करना हो तो कैसे करें। जैसे कि यहाँ पर मैं वर्टिकल यहाँ पर रखा है, आपने हॉरिजॉन्टल देखा होगा एलिमेंटर में टेक्स्ट टाइप हुई, ये देखिए हॉरिजॉन्टल में। अगर आपको लंबे यानी कि वर्टिकल में रखना है तो कैसे रखेंगे, कौन सा फंक्शन फीचर यूज करें एलिमेंटर में जिसके द्वारा वर्टिकल में टेक्स्ट लिख सके, तो जानने के लिए सीखने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। तो यहाँ पर वर्टिकल में टेक्स्ट लिखने के लिए हम सबसे पहले वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाते हैं। एंड लॉगिन होने के बाद यहाँ पर पेज को खोलेंगे एडिट विद एलिमेंटर के अंदर, यह है पेज, हम इस पर क्लिक करके इसे ओपन करेंगे। यहाँ पर हम वर्टिकल में टेक्स्ट लिखेंगे कोई भी हेडिंग, यहाँ पर हम प्लस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्लस पे, और यहाँ पर फ्लेक्स वॉच लेंगे और टू कॉलम लेंगे स्ट्रक्चर, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। पहले में हम यहाँ एक इमेजेस इंस्टेंट कराते हैं, सिंपल से इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इमेजेस, इस पर क्लिक करेंगे, ये ले लेते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे तो इमेज का जो साइज है थोड़ा कम कर देंगे, यहाँ पर हम रखेंगे मीडियम लार्ज, ये ठीक है, ज़्यादा ना छोटा ना बड़ा, और कम करना है तो हम कम कर देते हैं, मीडियम कर देते हैं, यहाँ पर यही कर देते हैं मीडियम लार्ज। यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करेंगे जिसे हम वर्टिकल में लिखेंगे तो इसे ड्रैग कर देंगे, यहाँ पर हम टाइप लिख देंगे, कर देंगे 50% ऑफ एन बाय ग्रोसरी, एन इसका साइज हम बढ़ा देंगे, इस पर जाएंगे यहाँ पर टाइपोग्राफी, यहाँ पर इसका साइज बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब इसे वर्टिकल में करेंगे तो साइज बढ़ाने के बाद एडवांस में जाएंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन ट्रांसफॉर्म, एंड यहाँ पर मिलेगा रोटेट, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 90% टाइप कर देना है, ठीक है, यहाँ पर 90 आप टाइप करेंगे। अब यहाँ पर आप इस पर सेंटर पर क्लिक करेंगे और इसे नीचे लाएंगे, एंड यहाँ पर ऑफसेट पर जाएंगे, ऑफसेट पर जाने के बाद ऑफसेट बाय, एंड यहाँ पर थोड़ा एक्स को यूज करेंगे, नीचे लाएंगे और इसको यहाँ पर ज़ीरो कर देंगे, ओके, एंड यहाँ पर इसको इतना कर देते हैं और ले लेते हैं नीचे, इसका टेक्स्ट को बड़ा करेंगे तभी ये ठीक काम करेगा। यहाँ पर हम जाएंगे टाइपोग्राफी पे, एंड इसको ठीक, एंड यहाँ पर वेट कर देते हैं ब्लैक, ठीक है, एंड यहाँ पर फिर से जाएंगे एडवांस में इस पर, एंड यहाँ पर ट्रांसफॉर्म, ठीक, एंड यहाँ पर रोटेट, ठीक है, एंड यहाँ पर ऑफसेट, इसको थोड़ा ऐसा कर देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर आपको कलर चेंज करना है तो इस पर जाएंगे और यहाँ पर टेक्स्ट कलर में बदलाव कर सकते हैं, भी है ओके, एंड यहाँ पर टाइपोग्राफी पे जाएंगे तो यहाँ पर लेटर स्पेसिंग वगैरह कर सकते हैं जितना आपको रखना है, वर्ड स्पेसिंग, ठीक है, एंड यहाँ पर हम अपडेट करेंगे, अपडेट करने के बाद साइट को रिफ्रेश करेंगे, देखिए यहाँ पर ये टेक्स्ट यहाँ पर वर्टिकल में टाइप हो चुका है, है ना। अब इसका मार्जिन आर्जन में थोड़ा बदलाव करना है तो आपके पास मार्जिन हैगा, आप इसका मार्जिन यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको रखना है उतना आप रख सकते हैं, ये देखिए, एंड यहाँ पर आप फिर स्टाइल पर जाएंगे और टेक्स्ट यहाँ पर साइज को बढ़ा सकते हैं, है ना। अगर आपको पेडिंग यूज करना है तो पेडिंग आप यूज कर सकते हैं, जितनी आपको पेडिंग रखनी है ना, तो पेडिंग यहाँ पर मैं कर देता हूँ, ज़ीरो करना है तो ज़ीरो कर सकते हैं आप, है ना, एंड यहाँ पर इनलाइन करना है, कस्टम करना है तो कस्टम कर सकते हैं, कस्टम विद आपको यहाँ से कितनी चाहिए यहाँ से आप कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम वर्टिकल में टेक्स्ट लिखते हैं एलिमेंटर के अंदर, है ना। आशा करते हैं वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों, इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, धन्यवाद।